खाली पेट जल से आंवला लेने पर भी बुद्धि तीव्र होती है, शरीर निरोगी रहता है। प्रतिदिन सबको एक आंवले का सेवन करना चाहिए, बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी है। तो सब लोग एक हनुमान चालीसा का पाठ, अधिक से अधिक 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट सरस्वती नमः की एक माला या उंगलियों पर सूर्य भगवान को जल। और एक प्रयोग और है अपनी एकाग्रता को बढ़ाने का, बच्चों के लिए बहुत काम का होता है, पूरे दिन में कभी भी 1 मिनट या अधिकतम 2 मिनट घर में जहां घड़ी लगी हो उसमें जो सेकंड वाली सुई होती है उसको पूरी एकाग्रता से देखना है, केवल सेकंड वाली सुई को कैसे वो चल रही है, इतना कंसंट्रेट होके देखना है, अगल बगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ ध्यान ना रहे। 1 मिनट या 2 मिनट अधिकतम, 1 मिनट से भी काम चलेगा, बस प्रतिदिन सेकंड वाली सुई को देखना है एकाग्रता पूर्वक। यदि ये करते हैं तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, याद करने की शक्ति बढ़ती है। प्रतिदिन करें, कुछ समय बाद प्रभाव दिखेगा। इसको भी अपने डेली रूटीन में आप लोग जोड़ें। तो 4 काम, एक तो सरस्वती नमः की माला, एक हनुमान चालीसा, सूर्य भगवान को जल और घड़ी को देखें 1 मिनट, है ना। और अपने माता पिता के रोज चरण छूते हो आप, बेटियां नहीं बेटे, आप लोग छूते हो बच्चे, प्रतिदिन अपने माता पिता के चरण छूने चाहिए। दादी बाबा है, अम्मा बाबा है, तो उनके पहले उनके छूने चाहिए, फिर माता पिता के छूने चाहिए। प्रतिदिन पिताजी के पैरों पे घुटने को नहीं छूते हैं, पैरों को छूते हैं, माता जी के पिताजी के, उससे बल बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, आयु बढ़ती है। प्रतिदिन अपने दादी बाबा के माता पिता के चरण छू के तभी स्कूल जाना है, ठीक है ना। इतनी बात का पालन करेंगे तो बहुत बड़े होंगे, बहुत जीवन में उन्नति करेंगे, सब प्रकार कल्याण होगा, ठीक है ना। इतनी बात का ध्यान रखना। प्रेम से कहो जय जय श्री राम। और गुड़ियाओं के लिए भी एक बात बता देते हैं, जो छोटी बच्ची हैं इनको आपकी जो अध्यापक है इनको एक मंत्र लिख के देंगे, तो वो सब बच्चियों को ज्यादा नहीं तो 11 बार करना चाहिए, है ना। उससे आगे के जीवन के लिए, विद्या अध्ययन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, सबके लिए बच्चियों का कल्याण होता है, आप लिख के देंगे तो उन सब बच्चियों को आप दे देना। और बच्चियां करें दिन में 11 बार उंगलियों पे, ठीक है ना, सब प्रकार कल्याण होगा। बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, प्रेम से कहो जय जय श्री राम। बोलो सतगुरुदेव।